दोस्तों आज का ये वीडियो आप सब लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सेल का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल टॉपिक सैलरी शीट। अब देखो अगर आप कहीं पे भी एज एक्सेल यूजर वर्क करते हो किसी भी कंपनी में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में तो वहां पर जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनका क्या सैलरी हुआ है, क्या HRA हुआ है, DA हुआ है, वो सब आप ही को मैनेज करना पड़ेगा। तो सैलरी शीट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्म है एक्सेल का, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो सैलरी शीट से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे DA क्या होता है, HRA क्या होता है, ESI एक्चुअल में क्या होता है, बेसिक सैलरी और ग्रॉस सैलरी में क्या फर्क होता है। इस तरीके से कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको इंटरव्यू के टाइम में कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक प्रॉपर सैलरी शीट क्रिएट करेंगे जिसमें ये बेसिक सैलरी ग्रॉस सैलरी में क्या डिफरेंस होता है, DA क्या होता है, HRA क्या होता है, अलाउंस क्या होता है, या फिर बात करें और भी कई टर्म्स की, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाला है। साथ ही दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अगर अच्छी नहीं लगे तो इस वीडियो को डिसलाइक करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मली आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे हमने एक्सेल स्टार्ट किया हुआ है। सबसे पहले जो जो हमें टर्म्स चाहिए जैसे कि ID नंबर, नेम, जो भी एम्प्लॉय है उसका डेजिग्नेशन क्या है, तो उसका यहाँ पे हमने एक ब्लॉक बना लिया। इसके बाद उसके डेजिग्नेशन के आधार पे उसकी बेसिक सैलरी क्या है वो हम यहाँ पे पुट ऑन करेंगे। इसके बाद हमने डाला कि इस महीने उसकी कितनी अटेंडेंस है तो ये हमने लिखा। फिर हम डालेंगे अटेंडेंस के आधार पे उसकी कितनी सैलरी बनी है। इसके बाद कुछ हमारे अलाउंस होते हैं जैसे कि HRA जो कि मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। साथ ही हम बात करें यहाँ पे DA, ये भी एक अलाउंस होता है। इसके साथ ही कन्वेंस, ये भी एक अलाउंस होता है। इसके बाद हम यहाँ पे कॉलम बनाएंगे ग्रॉस सैलरी का कि इस महीने उस एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी कितनी बनी है। इसके बाद PF का एक ब्लॉक बनाएंगे, फिर ESI और उसके बाद नेट सैलरी जिसे हम यहाँ पे लिख देते हैं इन हैंड सैलरी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा और ये जितने भी कॉलम्स हैं वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे जिसके लिए हमें लग रहा है कि स्पेस कम है या ज्यादा है उसको हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। यहाँ पे डबल टैप करोगे ये इस तरीके से हो जाएगा। अटेंडेंस को हमने यहाँ पे बड़ा कर लिया, सैलरी ठीक है, HRA ठीक है, DA ठीक है, कन्वेंस, ग्रॉस सैलरी हमने यहाँ पे डबल टैप किया, फिर आ गया PF, ESI, इस पर हम यहाँ पे डबल टैप कर देते हैं, यहाँ पे भी डबल टैप किया और ये आ गया इनहैंड सैलरी। तो जितने भी ब्लॉक्स है वो यहाँ पे रेडी हो गए, ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। सेम लाइक जो ID नंबर है इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए हमें ये, और इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और ये प्रॉपर तरीके से ऑन स्क्रीन आ जाता है हमारे सामने। इसके बाद इस एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ मर्ज पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिख देना है एम्प्लॉय सैलरी शीट ऑफ सेप्टेम्बर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेप्टेम्बर और एंटर करेंगे। इसके बाद इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसे बड़ा कर लेंगे जितने की हमें रिक्वायरमेंट है उस साइज में, और ये करने के बाद जो भी इस पे कलर हमें अप्लाई करना है मैं मोर कलर्स में जाता हूँ, ग्रीन सेलेक्ट करता हूँ, ओके कर देता हूँ। इसके बाद इसको हम यहाँ पे मिड में ले लेते हैं, ये आप देख पा रहे हो अलाइनमेंट मैंने सेट किया है यहाँ से। फिर इसे बड़ा कर लेते हैं, जो भी फॉन्ट हमें अच्छा लग रहा है लाइक यहाँ पे मुझे ये ज्यादा बेटर लग रहा है तो ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और इसका जो भी कलर आपको रखना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज ये जो सैलरी शीट है इसका कलर मुझे कुछ और रखना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, और सेलेक्ट करने के बाद इसका कलर मैं कर दूंगा येल्लो। इसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम इस ब्लॉक को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे और इसमें जो येलो कलर है वो अप्लाई कर देंगे, फिर इसे बोल्ड कर दिया और इसे यहाँ से चूज कर लेंगे सेंटर अलाइनमेंट। इसके बाद जहां तक भी आपको डेटा अप्लाई करना है वहां तक हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके बॉर्डर में ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दिया, तो ये यहाँ पे ऑल बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ सबसे पहले टर्म पे आते हैं ID नंबर। देखो जो भी एम्प्लॉय आपके यहाँ पे काम कर रहा है उसको एक ऑफिशियल ID नंबर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि मान लो अगर मैं बात करूं एक नाम है राहुल, तो राहुल नाम के 3-4 बंदे हो सकते हैं, या फिर अमित, सुमित, कोई भी नाम है तो उस नाम का कोई दूसरा बंदा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें ID नंबर तो वो सबके लिए एक स्पेसिफिक ID प्रोवाइड की जाती है कंपनी के थ्रू। तो मान लीजिए हमारी जो ID है वो 1001 है इस तरीके से, इसके बाद 1002 इस तरीके से हमने IDs दी हुई है एम्प्लॉयज को, हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे इस तरीके से पकड़ के इसे ड्रैग कर दिया तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली जो IDs नंबर है वो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर नाम की बात करें तो नाम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे मैंने लिखा राजेश, महेश, सुरेश,
तो यहाँ पे मैंने सबके लिए नाम यहाँ पे पुट ऑन कर दिए जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। इसके बाद आते हैं डेजिग्नेशन में। डेजिग्नेशन क्या होती है? डेजिग्नेशन मतलब उसकी क्या पोस्ट है उस कंपनी में। जैसे राजेश है तो सपोज जो राजेश है वो है मैनेजर, महेश की बात करें तो वो है असिस्टेंट मैनेजर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये। इसके बाद नीचे आते हैं, हमने लिखा जो सुरेश है वो है सुपरवाइजर, हमने यहाँ पे डाला। ये सिंपली स्टाफ है तो हमने इनके लिए स्टाफ डाल दिया, और इसी तरीके से सबके लिए मैंने यहाँ पे निकाल दिया। फिर यहाँ डबल टैप करेंगे, स्पेस अगर कम लग रहा है तो वो एक्सीड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दो इंपॉर्टेंट टर्म को समझो, एक मैंने यहाँ पे लिखा है बेसिक सैलरी और दूसरा मैंने यहाँ पे कॉलम दिया है सैलरी, तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखो किसी भी एम्प्लॉय की बात करें तो जब उसे जॉब पे हायर किया जाता है तो उसकी एक सैलरी बताई जाती है कि आपकी सैलरी 45,000 है, 20,000 है, 50,000 है, कुछ भी है। तो मान लीजिए इसकी जो सैलरी है वो है 50,000 रुपीज, ठीक है, ये लिखा हमने। इसके बाद टर्म आ जाता है अटेंडेंस का कि वो जो पर्सन है वो आया है सिर्फ 28 दिन। अब यहाँ पे इस टर्म को समझो, इसकी सैलरी है 50,000 लेकिन ये आया 28 दिन है, 2 दिन की इसकी छुट्टी है, तो इसको हम कितने दिन की सैलरी देंगे? हम देंगे 28 दिन की सैलरी। तो ये जो कॉलम सैलरी है वो बेस्ड ऑन अटेंडेंस है कि जितनी अटेंडेंस उसकी है उसके आधार पे उसकी क्या सैलरी बनी है। अब ये निकालेंगे कैसे? तो आपको यहाँ पे करना है इक्वल जो आपकी बेसिक सैलरी है, ये सैलरी कितने दिन की है, जैसे सितंबर का महीना है तो 30 का महीना है तो सैलरी है 30 दिन की, तो इसे मैंने किया डिवाइडेड बाय 30, तो 1 दिन की सैलरी बन गई, गुना कर दिया जितने दिन ये आया है, या एंटर, और आपकी जो सैलरी है 28 दिन की वो यहाँ पे आ जाती है। इसके बाद इसे सेलेक्ट करो और यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल से वो कर दो, जिससे एक प्रॉपर एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप कंफ्यूज हुए हैं तो मैं दोबारा क्लियर करता हूँ, हमने किया इक्वल और ये जो बेसिक सैलरी है इसको डिवाइड किया 30 से, क्योंकि ये 30 दिन की सैलरी है तो ये 1 दिन की सैलरी बन गई, गुना कर दिया इसे अटेंडेंस से, जितनी अटेंडेंस इसकी है उसके हिसाब से इसकी सैलरी आ जाएगी। अब इसी तरीके से हम सबकी सैलरियां पुट ऑन करते हैं, जैसे इसका 35,000 हमने डाला और सुपरवाइजर का हमने यहाँ पे डाल दिया 30,000, फिर स्टाफ है तो इनका हमने डाल दिया 25,000, इसके बाद ये लोअर स्टाफ है तो यहाँ पे हमने डाल दिया 18,000, इसके बाद ये जो सैलरी वाला कॉलम है इसको आप यहाँ पे ड्रैग कर दो इस तरीके से, तो हमने पूरे के लिए ड्रैग कर दिया इसे एक ही बार में, अभी जीरो वैल्यू शो कर रहा है। जैसे मैं डालूंगा कि पूरे के पूरे 30 दिन आया इसकी पूरी सैलरी है, ये 26 दिन आया इसकी इतनी सैलरी है, ये 25 दिन आया तो इसकी इतनी सैलरी बन रही है, तो क्योंकि हमने इस पे इक्वेशन अप्लाई कर दिया है तो जैसे आप अटेंडेंस डालोगे बाय डिफॉल्ट अपडेट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे डाला 30, यहाँ पे भी डाल दिया 30, यहाँ 25, 28, 26, 24, 30 और ये 30। सो आई होप कि टर्म आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली बेसिक सैलरी इसकी ये है, लेकिन जितने दिन वो पर्सन आया है उतने दिन की ही हम उसे सैलरी दे रहे हैं। अब इसके बाद बात करते हैं एलोवेंस की। एलोवेंस क्या होता है? एलोवेंस मतलब होता है छूट या फिर कंपनी के थ्रू मिले हुए फायदे। कहने का मतलब HRA का मतलब होता है हाउस रेंट एलोवेंस, मतलब कि अगर आप कहीं पे क्वार्टर लेके रह रहे हो या फिर आप रूम ले रखा है तो उससे रिलेटेड कंपनी आपको एक किराया दे रही है कि भाई आपका जो रूम का किराया है या रहने का खर्चा है वो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। तो कोई भी अमाउंट फिक्स करती है कंपनी की, 6,000 आपकी पोस्ट के हिसाब से, 6,000 का जो हाउस रेंट अलाउंस है वो कंपनी देगी, 8,000 का देगी, 10,000 देगी, 20,000 देगी, डिपेंड ऑन योर पोस्ट। तो मान लीजिए इनका हम ले लेते हैं कि इनका जो हाउस रेंट अलाउंस मिला है वो मिला है 8,000 रुपये का, ठीक है, सबका अलग अलग होता है। जैसे असिस्टेंट मैनेजर है उसकी पोस्ट कम है तो इसका हमने मान लिया कितना होगा, इसका हमने मान लिया 5,000, ये कंपनी आपको बताएगी, तो फिलहाल हम कुछ भी अपने हिसाब से यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से सबके लिए हमने यहाँ पे निकाल लिया जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अब आते हैं दूसरे टर्म पे जो कि है DA। DA का मतलब होता है डियरनेस अलोवेंस। अब ये कैसा अलोवेंस है? देखो जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं स्पेशली, उनका क्या होता है जब महंगाई बढ़ती है तो सरकार उनको अपनी तरफ से कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा देती है, जिसे हम बोलते हैं महंगाई बढ़ने के टाइम में मिली हुई अलोवेंस, जो कि होता है डियरनेस अलोवेंस। तो अगर महंगाई बढ़ती है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को क्या होता है, DA दिया जाता है 2,000 का 3,000 का, डिपेंड ऑन पोस्ट। यही सेम चीज होता है कुछ बड़ी कंपनियों के साथ भी, तो वो भी DA प्रोवाइड करती है। तो DA समझ के, जब महंगाई बढ़ती है तो उस टाइम पे कुछ छूट मिलती है या उस टाइम पे कुछ अमाउंट मिलता है ताकि आपके खर्चे बने रहे। तो मान लीजिए इसको DA मिला है 3,000 रुपये का, इसको मिला है यहाँ पे 2,000 रुपये का DA, इसको मिल गया 1,500 रुपये का, इसको मिला है 1,000 रुपये का, तो जिस तरीके से कंपनी ने बताया उस तरीके से DA आप यहाँ पे पुट ऑन कर दोगे। अगला टर्म आता है कन्वेंस। ये भी एक अलोवेंस है, एक तरीके की छूट है। आप रोज ट्रेवल करके कंपनी आते हो, चाहे आपके पर्सनल व्हीकल है या फिर कैब के थ्रू आप आते हो, तो उससे रिलेटेड जो आपका खर्चा हो रहा है आने जाने का, महीने का 4,000, 5,000, 3,000, 10,000 जो भी है,
वो आपको कंपनी दे रही है। तो कन्वेंस हमने डाल दिया, इनका भी 6000 का कन्वेंस लग जाता है, इनका 5000 का लग जाता है, इनका मान लिया हमने 4000 लग जाता है, इनका हमने मान लिया यहाँ पे 3000 लग जाता है, और बाकी सबका हमने मान लिया 2000 लग जाता है, सपोज जो भी है। तो इस तरीके से जो कन्वेंस है वो कंपनी दे रही है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने तीन अलोवेंस के बारे में देखा, एक है HRA, एक है DA और एक है कन्वेंस। इसके अलावा भी और कोई अलोवेंस हो सकता है, जैसे लॉन्ड्री का आप ले सकते हो, लॉन्ड्री से रिलेटेड भी कंपनी आपको दे रही है, या फिर कोई और हो गया, आपको कहीं कंपनी ने टूर पे भेज दिया है, कोई मीटिंग के लिए भेज दिया है, तो वहां पे भी जो भी आपका खाने पीने का खर्चा है कुछ है वो कंपनी ही देती है। तो ये सब जो अलोवेंस है वो आप यहाँ पे पुट ऑन कर सकते हैं। अब यहां तक तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिक सैलरी और सैलरी में क्या डिफरेंस है। तीनों अलोवेंस आपको समझ में आ गए। इसके साथ एक और टर्म इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए कि अगर मान लो आप किसी ऐसी जगह वर्क करते हो जहाँ एम्प्लॉय से ओवर टाइम कराया जाता है, तो ओवर टाइम भी जो एक दो घंटे का होता है उसकी भी सैलरी मिलती है। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ गई तो आप कैसे करोगे, मतलब ये टॉपिक भी दे दिया है कि ओवर टाइम रोज एम्प्लॉय दो घंटे का लगा रहा है तो उसकी कितनी सैलरी बनी, वो कैसे करोगे, तो वो चीज़ भी हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। या इंसर्ट में जाते हैं और एक कॉलम हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, किस चीज का, ओवर टाइम इन आवर्स हमने लिखा कि ओवर टाइम लग रहा है घंटे के हिसाब से, ठीक है, ये हमने डाला। और यहीं पे एक और कॉलम एड ऑन कर देते हैं हम, जिसमें हम इस ओवर टाइम की सैलरी निकाल लेंगे, ओवर टाइम सैलरी, ठीक है, ये हमने डाल दिया। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, जैसे 30 दिन है, रोज मान लो 2 घंटे का ओवर टाइम लग रहा है तो कितना हो गया, 60 हो गया, इनका मान लो 50 टोटल आवर्स इन्होंने काम किया है, इन्होंने 45 किया है, इन्होंने 30 किया है, इन्होंने 60 किया है, तो इस तरीके से मान लो जिसका जितना ओवर टाइम लग रहा है आर्स में, वो हमने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद अगर आप ये चाहते हो कि इसके साथ आर्स भी लिखा है तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, पूरे एरिया को ऐसे सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखो नंबर के साइड में ऑप्शन मिलता है, इसमें जाओ, जाने के बाद आपको यहाँ पे आना है सिंपल, और यहाँ जाना है कस्टम में, जनरल को हम काटेंगे और सबसे पहले देंगे हैश। हैश किस लिए दे रहे हैं, जो वैल्यू हमने लिखी है 60, 50, 45, 30 उसके लिए, और डबल कोट्स के अंदर में हम लिखेंगे जो वैल्यू हम उसके साथ दिखाना चाहते हैं, जैसे कि आर्स, और डबल कोट किया, क्लोज कर दिया, ओके। अब इसके साथ क्या प्रिंट हो क्या आ रहा है, 60 आर्स। तो अगर आपको कोई वैल्यू प्रिंट करानी है एज अ टेक्स्ट तो वो आप ऐसे कर सकते हो। सबसे पहले तो जगह काफी ज्यादा ले रहा है तो हम इसको जगह कम कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और इसकी भी जो जगह है वो हम कम कर देते हैं इस तरीके से। दोनों को सेलेक्ट करो और यहाँ पे कर दो रैप टेक्स्ट, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। सेम यही चीज कर देता हूँ मैं बेसिक सैलरी के साथ भी, ये भी ऐसे ही अच्छा लगेगा, और यही चीज मैं कर रहा हूँ ग्रॉस सैलरी के साथ। और इसके बाद फिर हमें क्या करना है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ पे हमें पूरे को ऐसे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कर देना है रैप टेक्स्ट, और इसके बाद टॉप अलाइन कर देना है, आप देखोगे बिल्कुल सही फॉर्मेट में ये यहाँ पे आ जाएगा। अब आते हैं इस टर्म पे, ओवर टाइम सैलरी, कि ओवर टाइम की जो सैलरी है वो कैसे निकालेंगे। देखो हमें इतना पता है कि इसने 60 घंटे काम किया है, इसका मतलब हमें इसको 60 घंटे की पेमेंट देनी है, जितने भी 60 घंटे की इसकी पेमेंट बनती है। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इस बंदे की एक घंटे की वैल्यू कितनी है, कहने का मतलब जैसे इक्वल किया मैंने, ये है इसकी 50,000 सैलरी, इसको जब मैं 30 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे एक दिन की सैलरी मिलती है, एक दिन में ये 8 घंटे काम करता है तो मैं इसे 8 से डिवाइड कर देता हूँ, तो अब मुझे एक घंटे की सैलरी पता चल गई, गुना किया मैंने जितने घंटे इसने काम किए, मतलब ये, और कर दिया एंटर, और आ गया इसका 12,560 घंटे की कीमत, जो कि इसकी सैलरी के आधार पे। दोबारा समझिए आप, इक्वल किया, ये सैलरी है कितनी, 30 दिन की, तो इसको 30 से डिवाइड किया, एक दिन की सैलरी आ गई, एक दिन बराबर है 8 घंटे, ये 8 घंटे काम करते हैं, मतलब इनका एक दिन बराबर है 8 घंटे, तो मैंने इसको 8 से डिवाइड किया तो एक घंटे की सैलरी आई, और गुना कर दिया जितने घंटे इन्होंने काम किया है, यानी कि ये, और प्रेस कर दिया एंटर, और ये आ गया। इसके बाद इससे सेलेक्ट कर लो, डिक्रीज डेसिमल कर दो, यहाँ पे एक एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट किया मैंने, और डबल टैप कर दो ये प्लस का सिंबल आने पे, ऑटोमेटिकली सबका आ जाएगा एक ही बार में। सो आई होप कि ये जो टर्म है ओवर टाइम सैलरी का, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इनकेस अगर आप किसी ऐसी जगह वर्क करते हो जहाँ ओवर टाइम एम्प्लॉयज का एक्स्ट्रा लगता है एक दो घंटे का, तो आप इसे आसानी से निकाल लोगे। अब आते हैं ग्रोस सैलरी पे। हमने स्टार्टिंग में इस बारे में बात की थी कि बेसिक सैलरी और ग्रोस सैलरी दोनों में क्या फर्क होता है। देखो इस टर्म को समझो, बेसिक सैलरी क्या है, ये है 50,000 रुपए, जो कि जब उनको जॉब पे हायर किया गया तो हमने बताया कि आपकी सैलरी कितनी रहेगी, 50,000 रुपए। लेकिन इसके साथ हम देख रहे हैं कि हम उनको HRA दे रहे हैं, मतलब हाउस रेंट अलाउंस दे रहे हैं, हम उनको DA भी दे रहे हैं, आने जाने का कन्वेंस भी दे रहे हैं,
प्लस में जो उन्होंने ओवर टाइम किया वो भी दे रहे हैं, तो अब जो उनको पैसा हम देंगे वो तो ये सब कुछ मिला के देंगे ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो बेसिक सैलरी है वो सैलरी है जो कि किसी भी एम्प्लॉय को हायर करते टाइम बताई गई है, यानी कि इनकी सैलरी 50,000 है, लेकिन उसके साथ में जितने अलोवेंस, जितने बेनिफिट्स, ओवर टाइम, जो कुछ मिला के एक मोटा अमाउंट बनता है वो होता है ग्रॉस सैलरी। तो यहाँ पे आते हैं, इक्वल करते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले जो इनकी सैलरी बनी इस महीने की 28 दिन के आधार पे, वो प्लस में इनको HRA देंगे हम, प्लस में इनको DA देंगे, प्लस में इनको कन्वेंस देंगे, और प्लस में जो इनकी ओवर टाइम बनी है वो देंगे, और प्रेस कर देंगे एंटर, और जो इनकी सैलरी है वो यहाँ पे आ जाएगी 76,167। तो बेसिक सैलरी क्या है इनकी 50,000, लेकिन इस महीने की सैलरी कितनी बनी इनकी 76,167, जो हो गए इनकी ग्रॉस सैलरी। सो आई होप कि अभी टर्म क्लियर हो गया होगा कि ग्रॉस सैलरी एक्चुअल में क्या है। अब यहाँ पे हमने एक की ग्रॉस सैलरी निकाल ली है, तो बस यहाँ पे डबल टैप कर देना या फिर ड्रैग कर देना है, सबकी अपने आप ही एक ही बार में निकल जाएगी ग्रॉस सैलरी। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, जो कि है PF ESI। काफी लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि PF का एक्चुअल मतलब क्या होता है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि PF की फुल फॉर्म क्या है। देखो, PF की फुल फॉर्म होती है प्रोविडेंट फंड। ये होता क्या है, आपकी सैलरी में से कुछ अमाउंट हर महीने थोड़ा थोड़ा कटता है। बेसिकली जो PF कटता है वो 12% कटता है, और वो अमाउंट आपका जमा होता रहता है। जब आप जॉब छोड़ते हो तो आपको PF जितना इकट्ठा होता है, जितने टाइम में इकट्ठा हुआ है, वो आपको एक बड़े अमाउंट के तौर पे वापस मिल जाता है। ESI की बात करें तो इसका मतलब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। जैसे कि आपको पता है कि आज के टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि मीडियम कैटेगरी के जो इम्प्लॉयज हैं उनको ESI प्रोवाइड करती है, जिसमें उनकी सैलरी से 0.75% ऑफ कुछ अमाउंट है वो कटता है। टोटल जो अमाउंट कटता है वो लगभग 3.75% अप्रॉक्स होता है, वो कंपनी आपको बता देगी कि आपको कितना यहाँ पे डिडक्ट करना है। और उस अमाउंट का बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है बेस्ड ऑन हेल्थ इशू, आपको या आपसे रिलेटेड जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके इलाज का खर्चा गवर्नमेंट आपको देती है, मतलब इलाज जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, एक तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस। तो PF और ESI क्या है, ये क्लियर हो गया होगा। अब PF मैंने बताया 12% कट रहा है, पर ये 12% कटेगा किस में से, ग्रॉस सैलरी में से कटेगा या बेसिक सैलरी में से कटेगा? तो PF कटता है बेसिक सैलरी में से। तो हम यहाँ पे इक्वल करते हैं और इनकी जो सैलरी है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कहाँ है सैलरी, ये रही सैलरी, और इस सैलरी का जो 12% है वो हम यहाँ पे निकाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सैलरी सेलेक्ट किया, गुना 12 डिवाइडेड बाय 100 और कर दिया एंटर। तो ये PF इस महीने इनका कटेगा। और ESI की बात करें तो हमने क्या, इक्वल, और जो इनकी सैलरी है इसका हमने 0.75% हमने निकाल दिया, ठीक है। तो ये आ गया इतना। तो ये दोनों अमाउंट ऐसे हैं जो इनसे काटे जाएंगे, मतलब इनसे लिए जाएंगे। तो डबल टैप किया, सबका आ गया, और यहाँ डिक्रीज डेसिमल कर दो, सिंपल। अब आ जाते हैं मेन टर्म पे, जो कि है इन हैंड सैलरी, मतलब इस महीने एम्प्लॉय को हम कितना पैसा इन हैंड देने वाले हैं। तो इक्वल किया, ये है इसकी ग्रॉस सैलरी, इसमें से माइनस कर दो PF और माइनस कर दो ESI, कर दिया एंटर। क्या किया मैंने, इक्वल किया, जो ग्रॉस सैलरी बनी है इस महीने उसमें से क्या काटेंगे, PF और काटेंगे ESI, दोनों कर दिया एंटर, और बस इसको यहाँ पे डबल टैप कर दो, सबका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो प्रॉपर सैलरी शीट है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। इसके बाद जो भी एडिटिंग आपको अप्लाई करनी है, जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद सपोज मुझे इसमें रेड कलर देना है तो मैंने यहाँ पे रेड दिया, और इसका कलर मुझे व्हाइट रखना है तो मैंने यहाँ पे व्हाइट रख दिया। सेम लाइक जो अटेंडेंस है, इसका कलर मुझे थोड़ा अलग रखना है तो दोबारा मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, व्हाइट कर दिया, और इसे हमें बोल्ड करना है, हमने बोल्ड कर दिया। सेम लाइक इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे बोल्ड कर देते हैं, और यही चीज आपको करनी है यहाँ पे इनहैंड सैलरी में। सेलेक्ट किया, ये कलर अप्लाई किया, और यहाँ पे जो भी हमें कलर अप्लाई करना है किया, और इसे बोल्ड कर दिया। इसके साथ ही जो अलाउंस है इसका कलर अलग रखना है, तो दोबारा से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, और जो भी कलर आपको अप्लाई करना है इसमें वो कलर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो हमने ये अप्लाई कर दिया, कलर व्हाइट रखना है व्हाइट रख दिया, बोल्ड करना है बोल्ड कर दिया, और इसे सेंटर में करना है तो सेंटर कर दिया, कुछ इस तरीके से। इसके साथ ही जो ओवर टाइम पोर्शन है इसके लिए कलर अलग डालना है, तो इसके लिए हम ये कलर अलग डाल सकते हैं, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। PF और ESI की बात करें, इसका कलर अलग रखना है तो इसका कलर आप जो भी रखना चाहो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। सो कुल मिला के सैलरी शीट कैसे क्रिएट करेंगे और उससे रिलेटेड जितने टर्म्स है, चाहे मैं बात करूँ बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी, अलाउंस हो गया, PF, ESI हो गया, वो सारी चीजें आई होप कि अब आपको क्लियर हो गई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग के बीच में शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें।
थैंक यू।